नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सुगम। जी हाँ, आज हम महिपाल मदेना के परिचय पर बात करने वाले हैं क्योंकि अब वो चर्चा में हैं। महिपाल मदेना राजस्थान के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने अशोक गहलोत के मंत्रालय में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। आपको बता दें कि इनका चुनाव क्षेत्र है जो ओशिया जोधपुर से आता है। उत्पन्न होने वाली यानी 5 मार्च 1952 आयु इनकी 67 ईयर्स है और ये लक्ष्मण नगर से आते हैं। आपको बता दें कि इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इनकी दो बेटियां भी हैं और इनके रहने का स्थान सिविल लाइंस जयपुर में है। आपको बता दें कि इनकी जीवनी क्या है। महिपाल मदेना लक्ष्मण नगर के एक किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता परसाराम मदेना ने राजस्थान विधानसभा में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें एक वकील के रूप में शिक्षित किया गया था और एक LLB डिग्री। अपने पिता की तरह वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए और राजनीति में प्रवेश किया। मदेना को 1981, 1988, 1997 और 2000 में जोधपुर जिला परिषद के प्रमुख के रूप में चुना गया था। 5 दिसंबर 2003 को वे भोपालगढ़ से 12वीं राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 13वीं विधानसभा ओशिया जोधपुर से चुना गया था। उन्हें जल संसाधनों के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल कर लिया गया था। उनकी बेटी दिव्या मदेना अपनी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने में भी सफल रही है और वह जोधपुर के ओशिया से 15वीं राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई है। अब आपको बता दें कि महिपाल मदेना एक बात को लेकर चर्चा में थे क्योंकि भंवरी देवी का जो मामला है उसी ने उनको राजस्थान में एक अलग तरह की पहचान नहीं दी, क्योंकि वो पहचान नहीं मानी जाती क्योंकि वो ऐसा ही मामला है और उससे उनकी पहचान घटी भी है क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत आदतें और अनुशासन और भी अन्य कारण उनमें वो अच्छे नहीं दिखे क्योंकि उनका ऐसा ही मामला था। उस मामले पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे मामलों को नहीं बताया जाता है। वहीं बाकी अपडेट के लिए आप द सुगम के साथ बने रहिए और मेरा लक्ष्य भी है कि मैं आपको 50 से करीबन अच्छे व्यक्तियों के परिचय दूँ जो अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं और ये काम अभी शुरू होने वाला है। बने रहिए द सुगम के साथ।